सर फोर मेंबर वोटिंग की देखो ऑटो पे आप सर फोर चुके हैं ये देखिए आप चप्पल का निशाना पड़ेगा सर कवर कर ले पूरी बिल्डिंग है हां खुली ऑटो है अच्छी लग रही है मजा आ रही है अभी दें जी आप कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है आज मैं लेके जा रही हूं अभी मम्मी क्या कर रहे हैं मजा लगा रहा है तुम्हें नहीं पता अभी हम मैगी खा रहे हैं तुम बताओ मैगी खाने बैठे हो और चाय ऑर्डर किए क्योंकि सुबह से कुछ मम्मी आधार कार्ड बोल रही है क्योंकि टिकट बुक हो रहा है मम्मी ने अभी कचौड़ी खाई और मम्मी को कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो मम्मी को अब मैगी नहीं खानी और पापा ने चार मैगी ऑर्डर कर दी है कचौड़ी सबको पसंद आई बट चाय नहीं खाया पापा चाय कहूँ ना चाय तो पियेंगे चाय तो हम लोग ने सुबह से नहीं पी नहीं हम नहीं पियेंगे चाय हम पियेंगे पार्थ वाह चाय नहीं है हमारी मैगी आ चुकी है अब हम मैगी खाएंगे हम लोग एंटर कर चुके बस जा रहे हैं इसमें बैठ के बाहर की हो रहे हैं तो वो इजीली गिर जाएंगे तो आप वो सीधे बना दे तो उनका बिल्डिंग पर गिरने का खतरा ज्यादा था। अच्छा बिल्डिंग पर ना गिर के बाहर की ओर गिरे इसलिए उन्होंने टेढ़ा बनाया थोड़ा सा ताकि जो मेन स्ट्रक्चर है ताजमहल का उसको कोई अच्छा, दिखे अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो टोटल जो हाइट है ताजमहल का फ्रॉम बॉटम टू टॉप वो 73 मीटर है कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा है ताजमहल देखने में कुतुब मीनार ऊंची ऊंची लगती है लेकिन कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा ताजमहल है वो आप देख रहे हैं टॉप पर ताजमहल जो लगा है पेंडल का हाँ। देखने में काफी छोटा है कितना लंबा होना चाहिए आपके पास आप गैस कीजिए भैया कितना लंबा होगा वो पार्ट जो मेटल का ऊपर से नीचे टॉप पार्ट जो है दो पापा दो पापा वो उसका टोटल हाइट है 31.6 फीट फीट 10 मीटर है अच्छा 10 मीटर है ये मीटर है ऊपर का जो पार्ट है ये ऊपर का पार्ट 10 मीटर है 10 मीटर का है गोल गुंबद हाँ वो पूरा दिखे नहीं गुंबद की ये जो मेटल का है वो ये गुंबद के ऊपर जो मेटल का पार्ट मेटल का है वो 10 मीटर का है 10 मीटर का है क्योंकि वो यहाँ से काफी छोटा नजर आता है क्योंकि काफी हाइट पर है वो हाँ देखने के लिए नक्शी बनाए हैं बाकी नीचे तो नीचे जब ये खुलता है तो पब्लिक जाती है इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हिस्ट्री इसलिए अच्छी लगती मुझे इंटरेस्टिंग बहुत है उनके बाद ताजमहल बना तो उनकी बॉडी को कुछ महीनों के लिए यहाँ दफन किया यहाँ पहले यहाँ मरने के बाद मुमताज रखा गया था उसके बाद जब ताजमहल का फाउंडेशन तैयार हुआ तो उनकी बॉडी को यहाँ से वहाँ मूव किया तो यहाँ कुछ दिन रखा गया था कुछ महीने मुमताज जी को पहले दफन करने के पहले मतलब मरने के बाद दफन यहाँ किया गया था देखिए ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर उसके बाद इनको ताजमहल बनवाया गया और फिर यहाँ पर इनकी बॉडी को ट्रांसफ़र किया गया तो आपको बताया नकली अच्छी वाली नीचे है चारों आप ताजमहल को कहीं से भी देखें आपको चारों तरफ से सिमेट्रिकल दिखाई देगा हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी तरफ से इवन 1 इंच का चेंजेस नहीं है ताजमहल अभी जो कलरफुल फूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो वाइट मार्बल है यह है वाइट प्योरली इंडियन मार्बल जो कि मकराने से आता है कहाँ के मतलब कारीगरों ने इसको बनाया था ईरान के इंडियन भी अच्छा, थे ईरान भी थे जो कि जो वर्क जो हुआ है ना ये कलरफुल फूल्स जो है वो ईरानियन वर्कर्स अच्छा तो वाइट वाला जो वाइट मार्बल है प्योरली इंडियन मार्बल है जो अपने इंडिया से है जो ब्लैक वाला दिख रहे हैं आप इसे बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स जो रिटन वर्क है स्क्रिप्ट है जो वो जो आता है बेल्जियम से
येलो दिख रहा है आपको उसके अंदर कौन से ये दिख रहा है वो नीचे तक लिया है। अभी ऊपर जाने के लिए हम लोग को 200 का और टिकट लेना पड़ेगा, फिर हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर है कुछ नहीं ना, ऊपर शाहजहां मुमताज की कब्र है, बस कब्र है। नसीब वाली नीचे है, जहाँ जाने हम लोग जा चुके हैं, जब पहली बार आया था कब्र में ऊपर जा चुके हैं। हाँ हम लोग जा चुके हैं। तो सारे स्टूडेंट्स कारीगर उसको पढ़ने के बाद वो स्पेशल काइंड ऑफ व्यूज उसको छुपाते हैं, क्योंकि एक बार फिक्स होने के बाद कभी बात नहीं। उस टाइम पर अच्छा था। गाइड वाले भैया बता रहे हैं कि ताजमहल घूमने के लिए हंस क्यों रही हो राइट, अरे वही भैया है गाइड। आप लोग प्लान करिए तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे का ही प्लान करिएगा, इस दिन थोड़ा सा भीड़ जो है वो कम होती है। हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है, इवनिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी तो धूप है या विंटर्स में, लेकिन उतनी गर्मी नहीं लग रही क्योंकि हवा बहुत तेज है। हाथ थोड़े से थके लग रहे हैं, जो अभी टॉप पे देखा था, जो इन्होंने भैया ने बताया था, ये जो गुंबद के ऊपर है मेटल का बना हुआ, ये 10 मीटर का है। तो 10 मीटर इसका एक्चुअल शेप जो है, यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है, ये देखिए इसका एक्चुअल शेप। मैं स्टार्टिंग से जाके मैं उधर से जाके दिखाती हूँ आपको। वी होप आपको ये देखिए इसका एक्चुअल शेप 10 मीटर का, इतना बड़ा ही है। कैन यू इमेजिन कैसे ऊपर गया होगा ये मेटल का, वो भी भारी। पान वाला पेठा जो है, पान चॉकलेट बटरस्कॉच चॉकलेट करवाओ, पिस्ता को अब तीनों टेस्ट कराए मैंने। पान वाला तो बहुत ज़्यादा पान टाइप का फ्लेवर, सारा गुलकंद है, ड्राई फ्रूट है। सर पेठा टेस्ट कराऊं? सर पूरा पानी लग रहा है, खा रहे हैं। हाँ अंदर गुलकंद होता है, चॉकलेट मिक्स नहीं, चॉकलेट 750 ग्राम होता है, चॉकलेट बटरस्कॉच हनी वाले सब 250 में, पान कोकोनट चॉकलेट गुलाब पिस्ता हनी वाला सब 250 में। हाँ कोई भी लेंगे, चीनी वाला सारा 150 में। तो हनी वाला ही लेते हैं। मतलब कौन कौन से निकालूँ, चॉकलेट निकालूँ, एक चॉकलेट वाला पिस्ता वाला निकालू, बटर स्कॉच वाला नहीं आता है, पिस्ता ही नहीं है, बटर स्कॉच है पिस्ता, पेठा नहीं दिए तो दो अच्छा से हमारा ले आता, दो ले रहे हैं आप तो, पिस्ता डाल दो, पिस्ता वाला बटर स्कॉच। क्या सुन रही हो जिया? हाँ तुम लोग ना हमको घर में वैभवी बुला करो, ठीक है, क्योंकि वैभवी नाम लंबा है, तो तुम लोग वैभवी बुलाओगे तो पहले तुम लोग पार्थ बुलाओगे, उसी लिए क्योंकि वैभवी चिल्लाने से इस तरह मेरा काम थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब से जिया मत बुला रहा घर में, जिया बुला कर सुनेंगे नहीं, उसका छोटा नाम, वैसे मेरा भी छोटा नाम है ना, कोई हमको ही बुलाते थे सब लोग, बेबी बेबी वही कह रहे हैं, अब सबको वैभवी बुला रहे ताकि पार्थ प्रकाश को कोई नहीं बुलाता है। प्रकाश का नाम लंबा है, सही कह रही हूँ जिया, ये तो क्या है, पार्थ टेंशन में आ गया, पार्थ वैभवी तीन बार, इसलिए अपने बच्चों का नाम छोटा मत रखिए, बच्चे बड़े हो गए जो यही शिकायत करेगा ना, तो खुद भी ऐसे लोग आ जाते हैं ना अचानक, जैसे लगता है कि एकदम से
बोलेंगे इसको? बाप किस नहीं बाप की सड़क नहीं है यार। देखो अब ड्रेस राजस्थानी ड्रेस दिखना स्टार्ट हो गया। अभी मैं सोच रहे यार हमको लहंगा वहंगा लाना चाहिए था अपने साथ ना, नेक्स्ट टाइम मांग लेंगे किसी से, क्या करना है हमको मांगने में कोई जरूरत नहीं है। अम्मा अम्मा अपना कपड़ा दे दो अम्मा, और गाना गाएंगे वो वाला, कौन सा गाना है राजस्थानी? वो तो वहाँ का है, जम्मू का है, राजस्थानी का वो अलग है ना, घूमर 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 घूमर। नहीं यार एक राजस्थानी का कौन सा एक बहुत अच्छा गाना है ना राजस्थानी का यार, याद नहीं आ रहा। बहुत गाने ऐसे याद आते हैं लेकिन अगर सोचो ना कि आपको याद आ जाए तो नहीं याद आ रहा। अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गाना था राजस्थानी। एक है ना ये पुराना गाना एक रुदाली पिक्चर का, वो थोड़ा दिल होम होम करे है ना, रुदाली का है लेकिन इसको क्यों गाया अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। एक और गाना ना वो मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। और आगे बात निकली बात बात